प्रेम से बोलिए श्री श्री 108 श्री भक्ति रविदास स्वामी की सरस्वती माता की शंकर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की मैया बाबू की आरमन कर लेते हो मन कर लेते हो सुबह दोपहर सुबह जय हो माता एवं बहनों पिता तुल बूढ़े बुजुर्ग लोग नौजवान साथियों एवं दूर दूर से आए हुए दर्शकगण एवं बच्चा एवं बच्ची लोग सर्वप्रथम मैं अपने माननीय बाबू श्री श्री 108 श्री बाबू पुजेरी राज्य की कंपनी की ओर से मैं कमेडिया मास्टर राम बाबू प्रसाद आप लोग के सामने इस मंच पर सर्वप्रथम मैं अपना सर नवाकर नमस्कार करता हूं। जय बाबा बाबू जी भैया जी चाचा जी चाची जी भाई जी बहन जी बहनों जी मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बिल्कुल अच्छी छितल पर गंवार हूँ। अगर हमसे कहीं भी बोलने चलने में मिस्टेक हो जाएगा या किसी तरह की बातें करने में गलतियां हो जाएगी तो आप लोग बच्चा समझ के क्षमा प्रदान करेंगे। आइए थोड़ा सा मुख को पवित्र कर लें उसके बाद कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ जाएगी। प्रेम से बोलिए श्री श्री 108 श्री भक्ति रविदास स्वामी की सरस्वती माता की शंकर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की मैया बाबू की। ये सिखिया ए पहले बताएंगे कि नाथ के बेटा को बोले निहान हाँ ये सखी तो हम तीनों सखी के बहुत गारी दे हाँ ये सखी तो इनका के पूछा हो ए रे नतिया के बेटा ये बता तू हमर पत्नी है कि माऊग है कि प्रेम का है। अरे माऊगे है ये माऊगे माऊगे हाँ त्या ए रे नाथी कौची कहली तोर नाती ही हुए। अरे भाषा भाषा कर दे खुला। अरे नाती के बेटा ये पहले बता नाती हमरा नाती कह रे हमरा नाती कब तक ठोक दे पार्टी ये पहले बताई कि तू कहे के हम लोग तेनो बहिन के घर दे ते ये भातर मार मार रहेंगे ले मारे के मन हाँ आज मार ले एक कम के दिन ले मार ला ये ने मार
नतिया के बेटा तू बहुत करीखवा का रहा था। लाइन क्लियर के रहो, सुनो क्या तुमने हमसे बात की? हाँ टेलीफोन से, टेलीफोन से, और मैंने भी आपसे टेलीफोन से बात किया। हाँ हाँ आपने बोले ए जी मिस्टर जी कहाँ है? ए जी हमारे राजा जी। हाँ कहाँ है? हाँ हम कह हम क्या बोले कि ले रहे हैं। हाँ तो वास्तविक बात हम ले रहे थे। क्या ले रहे थे बताइए? खड़े खड़े क्या ले रहे थे? खड़े पूरा भीड़ में क्या ले रहे? बहुत कठिनाई से अभी भी नहीं समझती हो? नहीं समझी। आधा भीतर आधा बाहर करके ले रहे थे। ए रे नाती के बेटा ई हमरा के तनी समझावा का ले रहा आधा भीतर आधा बाहर करके। इधर आई कमीन, इधर आई। क्या हम क्या ले रहे थे? क्या ले रहे थे? अरे मैडम आपने हमसे टेलीफोन से बात की। हाँ और मैंने भी आपसे टेलीफोन से बात किया। हाँ जी टेलीफोन सुनकर मैंने कहाँ चला? कहाँ? पटना जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला। वहाँ क्या देखा कि बहुत से लोग ले रहे। अच्छा? मैं भी लेने लगा। क्या खड़े खड़े क्या ले रहे थे? पूरा भीड़ में क्या भीड़ में ले रहे? बहुत कठिनाई से बताइए तो। पसीना बहा बहा के अभी भी नहीं समझती हो? नहीं तेरी माँ की मुकद्दर में गुड पॉलिश नहीं समझती है। आधा भीतर आधा बाहर करके क्या अभी भी नहीं समझ रही हो? नहीं समझ रहे। रेलवे के टिकट मास्टर साहब ने हमें रेल का टिकट दे रहे थे और हम खड़े खड़े कठिनाई से रेल का टिकट ले रहे थे। समझी न बूझी आई तेरी माँ की कॉर्नर मारा। ए जाना हाँ तीन से ऐसा गलती नहीं करेगी। नहीं जी चलो दोनों कान पकड़ो पकड़ो बैठो बैठो खड़ा हो जा। अरे राजा जी ये संतोष की माई है मुर्गा मुर्गी में लड़ाई नहीं खेल खेला हम रहुआ के माफ कर देनी लेकिन लेकिन एगो पप्पी दे देना। चल हाटी पहले का बाबू भैया तो के बताल कर रहा है का बाबू भैया तो के कहती है का कहता सुनी कहीं बाबू भैया कहती है कहती ही कहती कि पूरा करीखवा तार लगा तार बाहर इंसान घर आईना के कमीना लड़की अपने हस्बैंड को देखी ना कितना झाड़ू से कभी कुछ से मारना शुरू कर देते। ये बताओ जानते हैं अरे भगवान हमें इंसान बना है मनुष्य में जन्म दिए हैं और तुम कहती हो कि करीखवा तार लिखा लगते हैं। हाँ तार हाँ भैया तार लिखा लगे ये मनुष्य लिखा ना लगे यार झूठ बोले जे बेटा। अच्छा ये बताओ इधर आओ हम तार लिखा लगते हैं तो हमरा पर कोई चढ़बो करेगा तोहरा पार तोहरा पर बलेसरा पसिया चढ़ी नगर नौसा वाला आई चमेल या रसल पूरा चमेल वाला पसिया चढ़ती का आगे उसे और या मेरे वाला पसिया चढ़ते। अच्छा चढ़ती तो का करते का करे पहले मार के चुट चुटाई डंडा देते। हाँ डंटिया के चुट चुटाई ओकर बाद ओकर बाद ओकर बाद मुंडिया ना रहा। अच्छा ओकर बाद मुंडिया के धर के छेवी गिजगा से शुरू की जैसे करते ही मुंडिया से ओकर बाद हेजा से ओकर बाद हेजा से ओकर बाद हेजा से छपता ही जेते। हाँ ओकर बाद हेजा से अरे पसिया सबसे दुश्मन हम ही अली रे। अच्छा ओकर बाद हेजा से बलूरिया में लमनी लगी थी क्या? ए जी हमारे राजा जी बोलिए हमारे प्रिय बड़ दिन के बाद है लो। अच्छा तो कुछ गान बजान करके हमन के सुना दा गाना कि तो साली है ना। हाँ? साली हाँ यू खुश हो जाइए घर वाली खुश हो जाइए। अच्छा ठीक है गाना गाना मीन्स गाना किसे कहते कौन जानवर की नाम है
कोई सगाना और संगीत। हाँ संगीत यानी संगत करना, ये मेरा खानदानी पेशा है। क्या संगीत सुनेगी? हाँ आप ये बताइए कि कौन ऐसी संगीत सुनने के लिए चाह रही हो, ढोड़ी के नीचे वाला कि ढोड़ी के ऊपर वाला? ढोड़ी के नीचे वाला। सुन लो, रेडी हो जाओ। हगल समर करी रे समाप्त हो गया। आए मैडम इधर आओ। क्या मैडम जी आज ते बहुत लाड दे रही हो, ए बताओ के क्या पहनी है? टीका टीटा टीका मन टीका। और ये क्या पहनी हो? ए मेरी नथिया। और ये क्या है? ए मेरी गर्ल सीट। अच्छा और क्या है? ए मेरी चूड़ी है। और है क्या पहनी हो? ए मेरी लहंगा। ए वाले ए मेरी ब्लाउज। लहंगा इसके नीचे क्या पहनी है? इसके नीचे पैजामा पहन रहे। और पैजामा के नीचे क्या है? पैजामा के नीचे पैंट है। पैंट के नीचे क्या है? पैंट के नीचे चड्डी है। चड्डी के नीचे क्या है? चड्डी के नीचे जंघिया है। जंघिया के नीचे क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। क्या आप जानना चाहते हैं? यस जंघिया के नीचे
कोट चौड़ कटा है ये कोट कचहरी आनी इंग्लास। हम तो समझते थे कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में दो ही जगह कोर्ट कचहरी है, एक हिलसा दूसरा बिहारी, और तीन जगह हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग का सुविधा हो गया। प्रेमी सज्जनों कृपया ध्यान से सुनिए, आज दिन से आप लोग हिलसा चाहे बिहारी कोर्ट कचहरी नहीं जाइएगा। आप लोग के पास जितना भी केस मुकदमा रहेगा, यह जगह और जमीन हो रजिस्ट्री करवाना होगा, आइएगा, इसी इंग्लिश से फैसला हो जाएगा। अच्छे ये तो मेरे पूछ लिए, आप हम बता सकते हैं क्यों नहीं? एक क्या चीज है जी? हैट यानी टोपी, और एक क्या है? सट है, एक पे जापान दूसरे पे है मुल्तान, और उसको अंदर ये क्या चीज है? और उसको अंदर क्या चीज है? टी शर्ट है, और उसको अंदर क्या चीज है? गंजी है, जिसका नाम है रगड़ो घिसको। देखो ठीक है, एक क्या है? पैजामा है, एक पाया हिंदुस्तान दूसरी पाया पाकिस्तान, उसको अंदर क्या चीज है? एक हाफ पैंट अंडरवियर है, और उसको हाफ को नीचे में क्या है? अंडरवियर के अंदर हाँ एक जंघिया भी है, जंघे के बीच में क्या है? एक कच्छा यानी लंगोटा है, कच्छे के बीच में क्या है? कच्छा के नीचे हाँ हतरा। ए मास्टर बताओ ना यार, कच्छा के नीचे कजी रहे रे? हमारे से पूछे तो मिलो बता दूँगी, अर्थे जानकार लेकर क्या करेगी? मेरे काम चलेगा। कच्छा के अंदर हाँ, कच्छा के अंदर हाँ, कच्छा के अंदर एक जज साहब और दो वकील साहब है। इधर आओ कमिंग। वकील साहब एक मुदाई की तरफ से, दूसरा मुदालय की तरफ से, दोनों वकीलों का काम क्या है? एक दूसरे से बहस लाना, लड़ाना, आने जिरह करना। और जज साहब के क्या काम है? कि आपके इंग्लास में बढ़कर फैसला दे।